रूप ध्यान करना होगा ना, तो रूप ध्यान में एक इष्ट देव बनाओ, एक गुरु बनाओ और उसके अनुसार चलो, क्योंकि अगर कई महात्माओं के पास जाओगे तो वो कुछ और बताएगा, वो कुछ और बताएगा, तो कंफ्यूजन पैदा होगा। इसी प्रकार कई इष्ट देव का ध्यान करोगे तो इसका बनाओगे ध्यान, वो फिर कम बना, फिर इसका भी शुरू किया, तमाम प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। इसलिए एक ही इष्ट देव हो, एक ही गुरु हो, तो जल्दी सफलता मिले। और बाकी चाहे चार दिन राम राम करो, चार दिन श्याम श्याम करो, सब बराबर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर तुम राम का ध्यान बनाती हो, फिर नरसिंह भगवान का ध्यान बनाती हो, फिर तुम कच्छप भगवान का बनाती हो, तो एक ही ध्यान बनना बड़ा मुश्किल होता है, इतना खराब मन है, और तमाम ध्यान कैसे बनेगा।